नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। क्या कभी आपने सोचा है कि एथलीट्स जो होते हैं वो खेलते खेलते या कभी अचानक से उनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद से वो अपने संन्यास को लेकर खुलकर सामने आ जाते हैं या सोचने लगते हैं कि अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ। आमिर खान दो बार के विश्व विजेता मुक्केबाज रह चुके हैं। उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई है जिस घटना के बाद से उन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया है, और वो क्या पूरा कारण था, चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दो बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्रिटिश मुक्केबाज आमिर खान को शनिवार की रात ग्रिज मैच में प्रतिद्वंदी ब्रिटेन के ही केल ब्रूक ने पूरी तरह पीटा और चोटिल कर दिया। ब्रूक की धुलाई से आमिर का चेहरा पूरी तरह से चोटिल हो गया है और उनको दर्द से उनकी आंखों में आंसू तक आ गए। अब आमिर खान बॉक्सिंग के खेल से संन्यास लेने का विचार कर रहे हैं। आमिर की तरह ब्रूक भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। कई हफ्तों की मशक्कत के बाद ब्रूक इस फाइट के लिए तैयार हुए थे। इस बॉक्सिंग मैच के दौरान छठे राउंड में ब्रूक जिस तरह से आमिर की पिटाई कर रहे थे, ऐसे ही में रेफरी को उनके बीच बचाव करना पड़ा। नतीजन आमिर खान को ग्रिज मैच में फाइट के दौरान छठे राउंड में रोक दिया गया था। अब अपने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद उनके निकट भविष्य में फाइट जारी रखने की संभावना नहीं। जीत के बाद केल ब्रूक ने शानदार जश्न मनाया है। आमिर खान ने कहा है कि वो शनिवार रात मैनचेस्टर के एओ एरिना में केल ब्रूक के साथ अपना ग्रिज मैच हारने के बाद रिंग छोड़ने के लिए तैयार। खान को पहले दो बार चोट लगी थी जिससे पूरी तरह से वो उभर नहीं पाए थे, बावजूद इसके उन्होंने फाइट किया। आमिर खान ने कहा कि मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना है, हालांकि ये मेरा करियर समाप्ति की ओर है। खेल के लिए प्यार अब नहीं रहा, ये मेरे लिए एक संकेत है कि शायद मुझे अब ये खेल छोड़ देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान ने इस बात को भी एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हासिल किया है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहता हूँ। आमिर खान प्रोफेशनल बॉक्सिंग के जरिए लगभग $40 मिलियन की संपत्ति अर्जित की। ये चैंपियन मुक्केबाज 2019 के बाद पहली बार रिंग में उतरा था। अब रॉयल थ्रेसिंग के बाद ऐसा लगता है कि वो शायद ही फिर से कभी रिंग में नजर आने वाले हैं। तो अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में वो रिंग में नहीं उतरेंगे, क्योंकि फैसला कभी भी बदल सकता है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो आपको कभी भी अपने उस लिए फैसले को बदल सकते हैं। तो ये थी अभी तक की अपने ऐसी ही तमाम खबरों के लिए। बने रहिए इंडिया न्यूज़ दर्शन के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।